मैं शाहरुख हक मलिक सम्मानी से आज पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर की 141वीं जयंती है और हम वही रामास्वामी पेरियार की जिक्र कर रहे हैं जो दक्षिण भारत से अंधविश्वास और पाखंड की एक अलग जगह थे और वो अलग पूरे देश में पहुंची। इस बारे में विधवत प्रकाश हमारे शिवनारायण कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय महासचिव पिछड़ा समाज के हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। कुशवाहा जी, आज हम पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के जन्मदिन पर बताना चाहेंगे। इनका जन्म 1879 दक्षिण भारत के तमिलनाडु के इरोर में हुआ था। उस समय की परिस्थिति में जहां पर लोग किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना बहुत कठिन था, पेरियार साहब ने धर्म को के अंधविश्वास के लिए इतना काम किया, लोगों को जागरूक किया और रास्ता दिखाया। आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं। तमाम संगठन और पार्टी वाले लोग इस अंधविश्वास के सहारे सरकार अपने स्वार्थ के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग उतावले हैं। हम बताना चाहेंगे कि लोग अंधविश्वास में पढ़कर और उसी रास्ते में चलकर देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर बताएं कि यदि कहीं पर धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हमारे घर के बच्चे, परिवार के बच्चे, सभी लोग वहाँ पर बिना बुलाए पहुँचते हैं, परंतु जब इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग सुधार कर रहे हैं, उसके लिए लोग काम नहीं करते हैं, ना ही आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पेरियार साहब के रास्ते में चलकर सभी लोग अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास करें। धन्यवाद।